हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो एक्सरसाइज है 2.4 उसको करने से पहले मैं 2.4 के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको करने से पहले मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड बताऊंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता क्या है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के जो क्वेश्चन हैं आपको 9th क्लास में इतने नहीं पूछे जाएंगे जितने कि 10th में हमारे पास इसको स्टडी करने के लिए ज़्यादा है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में होगा क्या, आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे जैसे हम अभी तक क्वेश्चन करते आए उसमें क्या करते थे, एक्स प्लस वन हमारा जी एक्स होता था, तो एक्स प्लस वन को हम क्या करते थे, एक्स इक्वल टू वन लेते थे और उसको एक्स के प्लेस में हम पुट कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उस एक्स प्लस वन को एज इट इज ही रहने देंगे और उसको पी ऑफ एक्स के साथ हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अब एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए, एग्जाम्पल आपकी बुक से ही है, पेज नंबर 36 में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देके रखा है आपके पास एक्स प्लस 3x² - 1 एंड ये है आपका पी ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जी ऑफ एक्स आपके पास देके रखा हुआ है, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है 1 + x, 1 + x। तो इस 1 + x को मैं एज इट इज x + 1 भी लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम डिवाइड करते हैं आज तक, डिवाइड का साइन लेंगे, ठीक है, वहां पर मैं इसको रखूंगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 3x². देखो अब यहाँ पर दिया है 3x², देखो एक बार इसको मैं पहले रीअरेंज करके लिखूंगा, यहाँ दिया मेरे पास 3x², तो हम क्या करेंगे पी ऑफ एक्स दोबारा से लिखेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि 3x² पहले आ जाएगा प्लस एक्स बाद में और माइनस का 1 उसके बाद, और जी ऑफ एक्स में भी कर लेंगे हम, तो जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब एक्स प्लस 1 बन गया, अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड की फॉर्म में आराम से रख सकते हैं। तो यहां आ जाएगा एक्स 3x² 3x² प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, और जी ऑफ एक्स को मैं यहां पर रख दूंगा एक्स प्लस 1। अब इससे हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब यहां रफ साइड में क्या कर लो, एक्स प्लस 1 को लिख लो, ठीक है। अब यहां देखो एक्स है, यहां पर 3x² है, मुझे सबसे पहले 3x को खत्म करना है, 3x² को खत्म करना। तो 3x² को खत्म करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं 3x के साथ 3 के साथ इसको करूँ तो मेरा 3x बनेगा, अगर मैं इसके साथ 3x को मल्टीप्लाई करवा दूँ, 3x के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 3x² बन जाएगा। तो 3x² बना और 3x को ही 1 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 3x, इतना लग गया पता। तो मैंने किससे किया इसको मल्टीप्लाई, 3x के साथ, तो हम 3x को क्वेश्चन के प्लेस में रख लेंगे 3x और यहाँ लिख देंगे 3x², साथ में जो प्लस 3x मेरा आया उसको मैं इस x के प्लेस के नीचे रख दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये प्लस है, नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं भाई, यहाँ प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा। अब 3x² से 3x² तो पूरा का पूरा चला गया, अब यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस का साइन आएगा और इसको जो माइनस करेंगे तो मान लो ये 1 है, ठीक है, 1 है यहाँ पर, इसमें से माइनस किया कितना आया 2x - 1, ये माइनस ऐसे 1 ऐसे उतार दिया जैसे आप लोग डिवाइड के क्वेश्चन करते थे। अब दोबारा से मैं यहाँ के रखूंगा एक्स प्लस 1 को रखूंगा, अब मैं चेक करूंगा कि मेरा -2x कैसे खत्म होगा। तो -2x को खत्म करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ, माइनस के 2 रखता हूँ, तो माइनस का 2x मेरा ये आ गया और माइनस इंटू प्लस ये माइनस बन गया और ये 1 आ गया, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा कैंसिल हो सकता है आराम से। और हमने किससे किया इसको, अब -2 के साथ, तो ऊपर क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर -2 और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 1, साइन चेंज हो जाएंगे प्लस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, कितना आ गया 0। तो इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो क्वोशेंट है वो कितना आ गया, क्वोशेंट इक्वल टू मेरे पास आ गया 3x - 2 और रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया 0, ठीक है। अब उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7th लूंगा मैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें डरने की बात नहीं है कोई। एग्जाम्पल 7 है आपके पास, पी ऑफ एक्स दिया हमारे पास इक्वल टू 3x की पावर में 4 -4x³ - 3x - 1 और बाय जी ऑफ एक्स दे के रखा है इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको करेंगे अब, इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा लॉजिक होगा कि
यहाँ देखो 3x रेस टू पावर 4 दिया है हमारे पास, -4x³ है, फिर 3x है डायरेक्ट, जबकि हमारी जो सीक्वेंस चलती है वो कैसे चलती है, अगर 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, फिर 1, फिर 0। तो यहाँ पर पावर में देखो 4 है, 3 है, लेकिन 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से यहाँ पर उसको रख लेंगे। तो पी ऑफ एक्स मेरा आप क्या बन जाएगा, 3x की पावर में 4 -4x³ - 0x² - 3x - 1। देखो 4 3 2 1 4 3 2 1, ठीक है, बस हमें यहाँ तक जाना था, -1 ऑलरेडी दे के रखा है। और साथ में जो जी ऑफ एक्स है हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू x-1, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब इसको बिल्कुल सेम इसी की तरह करेंगे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया, ये मैंने रख लिया। देखो अगर यहाँ पर माइनस था चला हुआ तो सारे हम माइनस के लेंगे, अगर प्लस होता तो हम एक 0x जो था वो प्लस में लेते, तो ये बन गया 3x की पावर में 4 -4x³ - 0x² - 3x - 1, ये मैंने रख लिया। और x-1 के साथ हम इसको डिवाइड करवा देंगे, तो x-1 को रफ साइड में लो, यहाँ ले लिया। अब देखो कि 3x की पावर 4 कैसे कटेगा, अगर मैं इसको 3 के साथ करूँ तो 3x ही बन रहा है, 3x के साथ करूँ तो 3x² बन रहा है, अगर मैं इसको 3x³ के साथ करूँ तो मेरे पास ये 3x की पावर 4 बन गया, और माइनस कर देंगे 3x³ को, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया। अब 3x रेस टू पावर 4 के नीचे 3x रेस टू पावर 4, ठीक है, और -3x³ के नीचे जहाँ पर x³ हमें दिखेगा उसके नीचे हम इसको रख देंगे, तो माइनस का 3x³। अब साइन चेंज, ये सॉरी माइनस का आएगा और ये प्लस का, जो नीचे वाले साइन होते हैं वो चेंज होते हैं, तो इसके साथ ही कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो बड़ा मेरे पास क्या है, -4x³, तो माइनस ऊपर से आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये x³, बाकी ऐसे का ऐसे ही हम लिख देंगे, 0x² - 3x - 1। अब दोबारा अच्छे इसको किससे किया था हमने, 3x³ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से x-1 को मैं रखूँगा, और x-1 को किससे करेंगे कि मेरे x³ ख़त्म हो जाए, तो अगर मैं x से करता हूँ तो x² आ रहा है, और माइनस x से भी करूँ तो x² ही आया, x² अगर मैं इसको कर दूँ, अगर मैं इसको x² कर दूँ तो मेरा x³ आराम से बन जाएगा, मैं यहाँ क्या कर दूंगा माइनस का x³, साथ में ये माइनस है, -(-) हो गया प्लस, और x² को जब 1 से किया मल्टीप्लाई तो कितना आया x². अब x³ के नीचे x³ और x² के नीचे x², तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x³, और x² मेरे पास ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, करो इसको। तो जब इसको किया तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा, ये कैंसिल। यहाँ से अब बड़ा कौन है, 1, तो माइनस का आ जाएगा साइन, और साथ में कितना बचेगा x² ही बचेगा, और -3x - 1 हम एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोबारा से इसको, अच्छा इसको किया था हमने किससे, माइनस का x³, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का x² सॉरी x² अब करते हैं दोबारा से, x-1 को यहाँ रखा, अब ब्रैकेट में क्या करेंगे, ब्रैकेट को अब मैंने x² को ख़त्म करना है, हमारा फर्स्ट मोटिव यही है कि हमने जो पहले वाली टर्म्स हैं उसको ख़त्म कर देना, ठीक है, साथ वाली हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो पहली वाली टर्म है उसको हमने ख़त्म करना। अब यहाँ पर -x² है तो ऑब्वियस ही बात है कि माइनस तो आएगा, अब मैं इसको अगर x से करता हूँ तो ये x² आराम से बन गया, और -(-) प्लस हो गया, और ये कितना आ गया x का x ही आएगा, ठीक है, x² + x आ गया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर x² के नीचे x² और x के नीचे बिल्कुल प्लस का x, साथ में अब इसको कर दो, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ये कैंसल आउट, यहाँ से -(-) क्या बन गया प्लस, तो कितना आ गया 4x, लेकिन माइनस का, और ये माइनस एज इट इज, अब मैंने इसको किया था माइनस के एक्स के साथ, तो उसको भी हम ऊपर -(-) लिख देंगे। अब दोबारा से ये सारा रफ काम है, ठीक है, ये सारा रफ काम है। अब दोबारा से मैं x-1 रखूंगा, अब चेक करूंगा कि मेरा -4x कैसे जाएगा, तो मैंने माइनस रखा, दिख रहा है कि 4 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये माइनस का 4x आया, और -(-) प्लस बन गया, प्लस का यहाँ पर 4 आ गया, तो -4x के नीचे मैं 4x रखूंगा, लेकिन ऊपर -4, यहाँ पर आ गया माइनस का 4x, और यहाँ पर आ रहा है प्लस का 4। अब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर साइन चेंज हुआ, प्लस था तो माइनस बन गया, -(-) प्लस,
निशान माइनस का है और ये 5। तो क्या लिख सकते हैं हम कि हमारा जो क्वोशेंट है, क्वोशेंट मेरे पास आया 3x³ - x² - x - 4, ठीक है। और रिमाइंडर मेरे पास आ गया, जो मेरे पास ये बचा माइनस के 5। तो ये था इसका एग्जाम्पल नंबर 7। आपको अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके जरूर देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर लूंगा मैं इसका 8, जो बिल्कुल सेम इसी की तरह, यहाँ पर माइनस का केस था और अब प्लस का केस आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे पास दिया है x³ + 1 / x + 1। सिंपल है यार, ये तो सिंपल है, कोई बात नहीं, करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए x³ + 1 एज इट इज रखेंगे और इस x+1 से हम इसको डिवाइड करवा देंगे। तो मैंने बताया आपको कि x+1 को क्या कर लो, रफ साइड में ले लो, फिर यहाँ देखो कि x³ कैसे खत्म होगा। तो x² से मैं अगर इसको करूँ तो ये x³ आ गया, और प्लस x² मेरा यहाँ आ गया। अब देखो गड़बड़ हो गई ना क्वेश्चन में, हुई ना गड़बड़। तो इसको ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, हम पहले क्या करेंगे, इस टर्म को चेंज करेंगे। हम यहाँ बनाएंगे पहले x³, फिर प्लस 0x² + 0x, उसके बाद क्या लेंगे, +1, ठीक है, क्योंकि 3 2 1 आ गया। और अब करेंगे इसको हम x+1 के साथ। तो यहाँ से हमें पता लग गया ना कि मिस्टेक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर x² आया लेकिन मेरे पास यहाँ पर x² नहीं था। अब रखेंगे हम इसको x³ + 0x² + 0x+1, इसको करूँगा मैं x+1 के साथ। जब मैंने इसको x+1 के साथ करवाया, ठीक है, तो x में x³ ख़त्म करना है, तो x² से कर दो, x³ आ गया प्लस x² आ गया। तो x³ के नीचे x³ और x² के नीचे x², जब इसको माइनस किया, इसको माइनस से कैंसिल, यहाँ पर ये बड़ा है 1, तो ये आ गया x² माइनस का x², ठीक है। और प्लस 0x उतार दो, +1 उतार दो। अब दोबारा से क्या करो, x+1 को रखो, अब इसको चेक करो कि माइनस का x² कैसे जाएगा, ऊपर था x². अब मैं यहाँ माइनस रखूंगा और x रख दूंगा, तो ये मेरा माइनस का x² आया और माइनस प्लस माइनस बन गया, तो ये x आ गया। यहाँ पर मैंने किससे किया, माइनस के x के साथ, ठीक है, तो ये आ गया माइनस का x² प्लस सॉरी माइनस का x आ रहा है, ठीक है। इसको कर देंगे प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया, कैंसिल। अब प्लस प्लस है तो ये 0 + 1, ऑलरेडी एक्स ही रहेगा और +1 साथ में। अब यहाँ पर x+1 है मेरा, इसको अगर मैं 1 से कर दूँ तो कितना बन जाएगा, दोबारा से x+1 बन जाएगा। तो ऊपर मैंने प्लस के 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो x+1 आया, और नीचे साइन चेंज तो ये कैंसिल होके 0। तो क्वेश्चन मेरा कितना आ गया, क्वेश्चन मेरा आया x² - x+1 और रिमाइंडर मेरा आया 0, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझना, एग्जाम्पल जितने मैंने करवाए 2-3 उनको बड़े आराम से समझना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा, ये थी सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड की एक्सप्लेनेशन की, इनको सोल्व कैसे किया जाता है, वेरी इजी वे से मैंने आप बता दिया आपको, ठीक है। ये जो रफ साइड में आप लोग काम करोगे उसी से पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट करने लगोगे तो डायरेक्ट में गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए रफ साइड में अपना करते चलो और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते चलो। जैसे क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन कर दो और जो आपकी जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है उसको यहाँ रख दो। अब हमारा जो पहला मोटिव होता है वो होता है सिर्फ इस फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना, अगली वाली हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमें सबसे पहले इस अगली वाली टर्म को ख़त्म करना है बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये थे इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4th नहीं सॉरी 2.4 के जो क्वेश्चन नंबर 5th बचा है हमारा, उसको हम उसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।